बिजली बिल ज्यादा आने से त्रस्त व्यक्ति द्वारा खुद को जलाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक का नाम लीला दर गायधने बताया गया। वे पाहुने लेआउट में रहते थे। गायधने निजी काम करते थे। उन्हें कुछ दिन पूर्व 40,000 रुपयों का बिजली का बिल आया था। बिल कम कराने के लिए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों की और कई चक्कर काटे। बिल कम करने के लिए मिन्नतें भी की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, बल्कि बिल नहीं भरा तो बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी गई है। इससे तनाव में आए गायधन ने शनिवार की दोपहर 1 बजे खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में मेयो अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। गेले होते ते सांगितलं तर नाही, तिथं काम आणत होते, पण जात होते ते हमेशा जात होते बिलाच्या चेकामध्ये। हे आता काम धंदे नाही, बरोबर खा प्याची सोय नाही, हे नाती नाही, दोन नातनी आहे, आता गरोदर आहे ती बाई, काय करणार आहे? कंट्रोल जायलाच होते, खात होते बिचारे कसे। माझी जाऊ आहे तो माझा देर आहे सक्का। हे बिलाच्या बाईने घरामध्ये उपासाचे फाके पडतो, ते काय करणार आहे? बिल बी आलं त्याला एवढं मोठं। लीला दर गायधने इन्होंने आत्महत्या की है। लॉकडाउन के चलते घर में भूखमरी की नौबत आई थी और इतना बिल कहां से भरेंगे, इस चिंता को लेकर लीला दर गायधने मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। इसीलिए उन्होंने आत्महत्या करने की बात भी परिवार के सदस्य द्वारा बताई गई है। 8 अगस्त 2020 को दोपहर के 1 बजे के करीब लीलाधर लक्ष्मण गायधने उम्र 56 साल, इन्होंने दारू के नशे में खुद को जलाकर आत्महत्या की है और खुद आग लगाकर रॉकेट डाला है उन्होंने अपने बदन पर। उनकी वजह से उनके दोनों हाथ, छाती, चेहरा, गला, पीठ और पेट भी उनका जल गया है और उसी में उनकी मौत हो गई है। वजह तो ऐसी, उनके लड़कों ने हमने स्टेटमेंट लिया तो ऐसी निश्चित ऐसा बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि MSEB का बिल 40,000 आया था, ऐसा उन्होंने बताया है। हमारी तफ्तीश जारी है क्योंकि ये कली ऑफेंस रजिस्टर्ड हो गया और आज हम पूरा डिटेल्स मतलब कवर करने के उपरांत में जो हमको फाइंडिंग मिलेंगी वो आपको बताया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, IBCN न्यूज़ नागपुर।